ऐसा बयान दिया जो मुख्यमंत्री जैसे स्तर के व्यक्ति से उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने बागपत में ये कहा कि गन्ना किसानों को गन्ना की पैदावार कम कर देनी चाहिए क्योंकि लोगों में डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है। खेती को प्रोत्साहन देने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करके समाजवादियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों कैंट में यहाँ किला थाने में एक घटना हुई, हमारी पार्टी के एक नौजवान को उसकी गलती थी, हम मानते हैं उसने वहां गलत किया, लेकिन जितना अपराध हो, हमारी न्याय व्यवस्था में व्यवस्था है कि जितना अपराध हो उतनी सजा मिलनी चाहिए, मगर पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद जमानत हो गई, दोबारा उसी घटना का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने का काम किया गया और पुलिस जिसमें वादी बनी है उसमें हमारे उस साथी के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि पुलिस से किस बात की रंगदारी उन्होंने मांगी। और दूसरी ओर लगातार घटनाएं आप सबकी जानकारी में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग थानों के अंदर जाके स्वास्थ्य विभाग के अंदर जाके लगातार सिपाहियों के साथ दरोगाओं के साथ मारपीट करने का काम करते हैं, गाली गलौज करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के पुराने एसपी सिटी रोहित सजवाण जी थे, उनके दफ्तर में जाके बदतमीजियां करने का काम करते हैं, कैंट थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली गुंडागर्दी करने का काम करते हैं, जिला अस्पताल के अंदर वसूली के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली गुंडागर्दी करने का काम करते हैं, मगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल द्वेष भावना से समाजवादी पार्टी के लोगों का अगर उत्पीड़न होगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने सवेरे अखबारों में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री जी का बयान पढ़ा और पढ़ के बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि वो हमारे बरेली जनपद के ही रहने वाले हैं और बरेली जनपद के आंवला तहसील में बुखार से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और वो उसी आंवला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं से विधायक हैं और विधायक होने की वजह से ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनका ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें करना ये चाहिए था कि लगभग 100 से ऊपर जो मौतें आंवला क्षेत्र में हुई हैं उनके परिवारजनों की आर्थिक सहायता करवाते, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाते, उनके दुख दर्द में जाकर शरीक होते, मगर ये तो उन्होंने नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ये बयान जरूर दे दिया कि पूरे बरेली जनपद में 20 मौतें हुई हैं। सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दूर हैं और आज सत्ता के मद में चूर होकर वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, इसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और अभी अब जो गांव की बात कर रहे थे, गांव में जाकर खुद सर्वे करेंगे? हम अभी बीच में कुछ गांव में गए भी हैं, समाजवादी पार्टी गांव गांव घूम के ये जानकारियां भी कर रही है और लोगों के दुख दर्द में भी हम लोग जाके शरीक हो रहे हैं जिनकी बुखार से मौत हो रही है। हम अभी रविवार को बेटा बुजुर्ग गांव में जाएंगे, वहां के एक बेहद गरीब आदमी अच्छूलाल उनका नाम था और उनके परिवार में 7 बेटियां हैं। गरीबी के हालात ये थी कि उनके अंतिम संस्कार से लेकर और जो मृत्यु के बाद के संस्कार होते हैं उसमें उनके घर पे इतना पैसा भी नहीं था कि वो सारे संस्कार निपटा पाते। उनके घर में एक पंपिंग सेट था, डीजल इंजन था, उसे बेच के उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग होगा वो इतवार को जाके उनके परिवारजनों को करेगी और भारतीय करना ये सब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए, करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी गरीबों की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर अगर उन्हें जानकारी होती है किसी गरीब के दुख तकलीफ की तो उसकी भरपूर सहायता करते हैं। उन्हीं के निर्देश पर हम लोग भी बेटा बुजुर्ग जाएंगे और हम लोग भी उस परिवार की आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करेंगे।